चलिए थोड़ा बाहर निकल के बात करते हैं, अभी हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, सब आपको बताएंगे रास्ते में। भाई साहब बादल ही बादल है, बादल ही बादल है, रात भर बारिश भी है, सुबह भी बारिश भी है हल्की फुल्की। अभी टाइम हो गया एग्जैक्टली 8 और अपने बाइक का हो गया ऑडोमीटर 20,000 किलोमीटर्स। तो वी हैव कंप्लीटेड 20,000 किलोमीटर्स का माइलस्टोन। व्हाट एन अचीवमेंट विद इन 1.5 ईयर मैन। कितना सारा जगह कवर किया इसमें, मेघालय, लेह लद्दाख, बेंगलोर टू बिहार टू बेंगलोर। और क्या ये बाइक साथ दे रही है, और बेंगलोर से पुणे, नाउ आई एम गोइंग टू नॉट एग्जैक्टली मुंबई, नियर टू थाने, वन ऑफ माई रिलेटिव इज देयर, बट यू नो ऑन द वे वी विल बी फाइंडिंग फेमस खंडाला एंड लोनावाला वाला लोकेशन। ये वाला जो लोकेशन है बहुत ही फेमस है, आती क्या खंडाला। तो थोड़ा लेट हो गया, अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहता था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर आई कुडंट स्टार्ट अर्ली। एंड मैन 20,000 किलोमीटर्स दैट टू विद इन 1.5 ईयर। और इस बाइक का जैसा माइलेज है, मतलब पेट्रोल तो मैंने फूंक डाला फूंक डाला। तो चलिए हम लोग पुणे से बाहर निकल के मिलते हैं। पुणे एज यूजुअल इज़ वेरी फेमस फॉर ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक। तो बाहर निकलते हैं और आपसे मिलते हैं। अब ऐसा फील हो रहा है कि शायद से हम लोग पुणे से बाहर निकल चुके हैं। जो पुणे के लोग होंगे वही कंफर्म कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग पुणे के बाहर से निकल चुके हैं। लोनावाला यहाँ से 40 किलोमीटर्स रह गया है, पनवेल 90 किलोमीटर्स, थाना उससे भी आगे होगा। तो मानसून के टाइम में भाई ग्रीनरी और पुणे का वेदर इज जस्ट अमेजिंग, एक्चुअली रियली वेरी वेरी नाइस, इट्स नोवेयर लेसर देन बेंगलोर। तो हम लोग पुणे से लगभग 36 किलोमीटर्स बाहर आ चुके हैं, और ये पूना मुंबई ओल्ड हाईवे है। तो जो दूसरा वाला है वो तो बाइकर्स के लिए अलाउड ही नहीं है, बिकॉज वो तो एक्सप्रेस वे है। लोनावाला 36 किलोमीटर्स, मुंबई 133 किलोमीटर्स। तो एंड लुक एट दिस फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ओह मैन वाओ। और वेदर ना भाई बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि मैंने ये एक ठीक ठाक सा स्वेटर चढ़ा रखा है, ऊपर पे क्लाउडी क्लाउड। मुझे ना एक्शन कैमरा अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रिजलिंग जैसा हो रहा है, एंड आई कांट टेक रिस्क, एनी टाइम इट मे रेन। और एक काम करते हैं, एक्शन कैमरा को हम डाल देते हैं वाटरप्रूफ केस में। अभी ये वाटरप्रूफ केस में नहीं है। कितने दूर आ गए, 50 किलोमीटर आ गए एग्जैक्टली, वाओ। एंड हाउ मच टाइम डिड आई टेक, 1 hour 13 minutes। तो मैंने अपने एक्शन कैमरा को वाटरप्रूफ केस में डाल दिया है, वो एटलीस्ट लिटिल बिट ऑफ ऑडियो विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड।
इस वजह से पुणे का वेदर इतना अच्छा होता है एंड ड्रिजलिंग इज हैपनिंग फॉर श्योर एंड व्हाट हैपेंड टू हिम बुलेट हैज फॉलन डाउन प्लस हम लोग पहुंच गए लोनावाला और इसके बाद आएगा खंडाला। देखिए हमारा कितना अच्छा डिसीजन था जो हमने अपने एक्शन कैमरा को पूरी तरह से वाटर प्रूफ केस के अंदर में डाल दिया। लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, कहीं तो कुछ खाने का मन कर रहा है यार। लोनावाला इससे हिली टेरेन, लोनावाला खंडाला दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। वो है एक्सप्रेस वे जिसमें कि बाइक नहीं जा सकते, जो ऊपर से जा रहा है मुंबई के लिए, पुणे से मुंबई, मुंबई से पुणे। ये देखिए यही ऊपर से दिखता, लेकिन हम लोग क्लाउड में बाइक चला रहे थे तो नथिंग वॉज विजिबल। थोड़ा बहुत फॉग जमा हो गया है मेरे लेंस के ऊपर पे, तो पता नहीं कैसा व्यू आ रहा होगा। तो भाई मैं क्या बोला था ना कि लोनावाला और खंडाला जो है ना, इट्स नॉट ऑल अबाउट ओनली दिस रोड। जो आप रोड के बगल से देखते हैं, यहाँ पर कुछ वाटरफॉल भी है। मानसून के टाइम में वो वाटरफॉल बहुत ही अच्छे और खूबसूरत दिखते हैं। साथ में कुछ ट्रैकिंग के भी जगह हैं जहाँ पर आप लिटरली इंजॉय कर सकते हैं ट्रैकिंग करना। और अगर आप फैमिली के साथ में तो कुछ अच्छे अच्छे रिसॉर्ट्स वगैरह से हैं जहाँ पर आप लिटरली यू कैन स्पेंड अ वेरी गुड क्वालिटी टाइम एक्चुअली विथ योर फैमिली एंड रिलेटिव्स। लोग ऑलमोस्ट हिल से क्लाइम डाउन कर चुके हैं। अगर आपको दूर में नजर आ रहा होगा जो व्हीकल्स चल रहे हैं वो पूरी तरह से फॉग से कवर्ड था, नथिंग वाज विजिबल फ्रॉम देयर। मानसून के टाइम में इस जगह की खूबसूरती अलग ही मतलब बन जाती है। जो मैंने देखा था मई के टाइम में वो एक अलग सा था। देखिए इधर भी वो वाला वाटरफॉल, ये सब हिडन है, उस तरफ भी दो तीन गिर रहे हैं, इसके पीछे में है। और कितना ग्रीन ग्रीन है ना, रोड को छोड़ के सब कुछ ग्रीन है। ऊपर से भी दिखता तो मजा आ जाता है। ऊपर पे अभी भी बहुत ज्यादा क्लाउड है उस तरफ खंडाला की तरफ। अब हम लोग ऑलमोस्ट क्लाइम डाउन कर चुके हैं। ये है दापोली का एरिया और यहीं पर कहीं से अगर आप लेफ्ट टर्न ले लेते हैं तो अलीबाग की तरफ आप चले जाएंगे। अलीबाग से क्रूज एक मतलब समंदर में क्रूज चलती है जो कि आपको मुंबई तक पहुँचा देगी। व्हाट ए व्यू मैन, व्हाट ए व्यू। मुंबई आप देख सकते हैं, इट इज़ जस्ट 54 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। थाने 36 किलोमीटर्स है। तो मैं ऑलमोस्ट अपने रिलेटिव के घर के बहुत ही क्लोज हूँ, वो थाने के आसपास में कहीं है, मैंने वो गूगल लोकेशन लगा दिया है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस ब्लॉग, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. आई डोंट नो वेदर माई वॉइस इज गेटिंग कैप्चर्ड करेक्टली और नॉट, बिकॉज सो मेनी व्हीकल्स आर पासिंग बाय एंड सो मच नॉइस इज देयर. सो प्लीज़ लाइक दिस ब्लॉग, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय.